नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। जितने भी फल हैं उन्हें खाने के अपने अलग अलग ही फायदे हैं। वैसे ही अंगूर भी एक ऐसा फल है जिसे खाने के अपने ही फायदे हैं। अंगूर एक ऐसा फल है जिसमें ना तो छिलका निकालने का झंझट और ना ही बीज निकालने की समस्या होती है, जिसे आप साबुत ही खा सकते हैं। इस वजह से भी कई लोग इसे खाना पसंद करते हैं। अंगूर खाने में इतने सरल होने के साथ साथ इसके खाने के कई फायदे भी हैं, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम अंगूर के इतिहास के बारे में जानेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अंगूर की खेती आज से 5000 से 8000 वर्ष पूर्व भारत से ही शुरू हुआ था। अंगूर की चिकित्सा को एम्पिलोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। यह एक नैसर्गिक चिकित्सा यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा का एक रूप है, जिसमें आप किसी भी प्रकार की बाहरी दवाई का सेवन नहीं करते हैं। आपका उपचार पूरी तरह आपके खाने और क्रियाकलाप पर निर्भर होता है। इसमें अंगूर के बीज, फल और पत्तियों का उपयोग किया जाता है। साथ ही आपको अंगूर के फायदे भी बताती हूँ। इसमें पाए जाने वाले विटामिन ए, विटामिन बी, B2, B6, विटामिन के, विटामिन सी और फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, ग्लूकोज के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के गुण शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद हैं। अंगूर के सेवन से मनोविकार दूर होता है। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमजोर है उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है। तरह तरह के एलर्जी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन से परेशान व्यक्तियों के लिए अंगूर खाना अच्छा साबित होगा। जिन व्यक्तियों के नर्व सिस्टम कमज़ोर हैं, हड्डियां कमज़ोर हैं, उनके लिए अंगूर का सेवन फायदेमंद होगा। अंगूर का सेवन चेहरे को बेदाग बना देता है और साथ ही त्वचा को नई जान सी मिल जाती है। बालों की शिकायत से परेशान हैं तो अंगूर का सेवन आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति के लिए भी अंगूर फायदेमंद साबित होगा। आज के समय में लोगों की नज़र जल्दी कमज़ोर हो जाती है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, उनके लिए अंगूर खाना अच्छा साबित होगा। अंगूर इतने फायदेमंद होने के साथ साथ ये उन व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक होगा जिन्हें कफ की समस्या हमेशा रहती है। जिन्हें डायबिटीज है वो व्यक्ति इसका इस्तेमाल ना करे। इसके सेवन से आपकी शुगर की समस्या और बढ़ सकती है। जिन व्यक्तियों को सूजन की समस्या है वो इसे रात में ना खाएं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति इसका सेवन रात में ना करे और कोई इसका नुकसान नहीं है, बशर्ते आप इसे सही मात्रा में 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम दोपहर के खाने के बाद में खाएं। अंगूर अत्यधिक मात्रा में खाने से आपको दस्त की समस्या हो सकती है, लेकिन ये भी आपको ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करेगा। यह जानकारियाँ इंटरनेट द्वारा ली गई हैं। बिहारी न्यूज इन जानकारियों की पुष्टि नहीं करता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। धन्यवाद।